हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भैया अभी रोक चुके हैं हमारे टाइम। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज इसे बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज। भैया ने बिल्कुल सही कहा। आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे करके हम चल रहे हैं, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं ऊंट और उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे देख सकते हैं आप। बहुत ही बड़ा ऊंट खाना खा रहा है। और गाइस आप देख सकते हैं ऊंट बहुत ही ज़्यादा है। हम जो है थोड़ा सा आगे रुक के इसका ब्लॉग जरूर लेंगे। गाइस आप इसका नज़ारा देख सकते हैं आप, ये हमसे डर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं ऊंटों को देखने के लिए बकरियां भी रुकी हुई है। बस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का इलाका और यहाँ का नज़ारा। ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था भाई, तो जैसे ही भैया ने देख बोला कि देखो आगे क्या है, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था, मैं जो है फ़ोन चला रहा था और भैया ने कहा इसका ब्लॉग ले ले, तो मैंने इसका ब्लॉग ले लिया है। और भाई आप आस पास की हरियाली देख सकते हैं गाइस, पूरी की पूरी हरियाली और रोड बिल्कुल खाली है गाइस, शांत है, पूरी सुनसान सड़क आप देख सकते हैं। ये हमारे गाँव का बहुत ही बड़ा तालाब है। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे गाँव का सारा पानी आता है। तो थोड़ा सा मैं उतर के इसका ब्लॉग ले लेता हूँ गाइस। थोड़ा आप देख सकते हैं भैया अंदर बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाओ भैया, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ गाइस। कोई जगह नहीं मिल रही है मुझे और ये मिल गई गाइस। ओ भाई साहब आप देख सकते हैं भैया सड़क पे खड़े, 5 मिनट खड़े होना भैया, 5 मिनट मैं थोड़ा सा ब्लॉग कर दूँ। पूरी की पूरी गाइस हरियाली नज़र आ रही है और बिल्कुल सुनसान रोड है, बस एक अभी पिकअप आया। आप देख सकते हैं जो है अभी बारिश कम है तो इसलिए पानी थोड़ा सा ही है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ब्लॉग में ले लिया है। अब मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा। कैसा लगा ब्लॉग, ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलो अब चलते हैं नीचे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।